यहाँ से होकर यहाँ से पत्थर बजे गोली बजे आता है। और जैसा कि आप जानते हैं, आपने पिछला आपको पता ही है, रविवार रात को जो है हमारे एक भाई की निर्मम हत्या जो है वो गला रेंद के इन लोगों ने की है। और ये सब जो है, ये गो रक्षक थे हमारे सवारे भाई युवा साथी जो है, यहाँ पे एक टीम थी जो गोरक्षक के नाम से काम कर रही है और विभाग के साथ मिलकर पूरा जो काम करती थी और प्रयास करती थी कि जो है गो तस्करी का जहाँ जो इस क्षेत्र में है वो ना हो पाए। और कहीं ना कहीं किसी लोगों को, किन्हीं लोगों को ये नहीं पच रहा था कि ये युवा लोग जो है वो काम करें, और कहीं ना कहीं डिमोरलाइज जो है हमें किया जा रहा था। इसी प्रयास में आज इन लोगों ने क्या काम जो है वो आ गए ही है। अभी ये भी कहना मुमकिन नहीं है कि दो मिलिटेंट है, चार हैं, क्योंकि अभी उनसे जो गांव के अंदर लोग थे उनसे संपर्क जिनसे हुआ है कि इन्होंने चार बताया कि इन्होंने दो बताया, तो इसकी भी पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते कि मिलिटेंट है कितने हैं। पर इतना जो है वो अभी पता चला है कि एक मिलिटेंट न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और आपके माध्यम से ये जो लो जो वो सुन रहे हैं, मैं ये बिल्कुल अपने युवा साथियों की तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि हम जो है, अगर आप दबाव से हमें डराने वाले हैं तो हम डरने वाले नहीं। ये भूमि जो है वो शूरवीरों की भूमि रही है और बहादुरों की भूमि रही है। आप देखेंगे इसी क्षेत्र से, हीरानगर से तमाम जो है वो हमारे युवा जो है वो सेना के सेना दल में होते हैं, सेना का साथ देते हैं और बढ़ चढ़ के काम करते हैं। और हम जो है इस बार जो है वो स्कूटी फोर्सेस पे डिपेंड रहने वाले नहीं है। हम लोग जैसे प्रत्येक काम कर रहे थे आगे भी ऐसा काम करते रहेंगे। एक जो है, एक व्यक्ति को है वो गोली लगी है बाजू में, अभी उनको जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए जीएमसी कठुआ रेफर किया गया है और वो अभी स्वस्थ है। इसकी पुष्टि जो है वो हॉस्पिटल वाले ही करेंगे, तो ऐसा आपके अभी तक तो यही है। नहीं, अभी तक तो इसकी कोई पुष्टि है नहीं। नहीं, देखो ये सुनने में हवाएं चल रही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रास्ता अंधेरा इतना है और लोग जो हैं वो जो वहां जो लोग हैं वो थोड़े से सहमे हुए हैं, तो किसी से जो है वो संबंध जो है वो हमारा जुड़ नहीं रहा, तो इसकी हम अभी कोई पुष्टि नहीं कर सकते आपके साथ। इलाके को पूरा काट दिया, घटनाक्रम कितने लोग इंजर्ड हुए और क्या है? अभी तक एक या दो लोगों के घायल होने की खबर यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया और एम्बुलेंस में अभी अभी वो लेके निकले हैं। तकरीबन ढाई घंटे पहले, जैसा कि ये एरिया हीरानगर में पड़ता है और यहाँ से लोग हमारे संपर्क में हैं, यहाँ से जिला परिषद सदस्य भी हूँ मैं, तो उनका फ़ोन आना, कोई तकरीबन ढाई घंटे मेरे को फ़ोन आया कि ढाई घंटे पहले फ़ोन आया कि यहाँ पर फायरिंग का इंसिडेंट शुरू हुआ है और तकरीबन 10 मिनट तक फायरिंग चल रही थी जैसा उसने बताया। तो कहता है कि भैया अभी फायरिंग बंद हो गई है, जैसे मर्जी पुलिस और प्रशासन को बताया जाए। उसी समय पुलिस से भी बात हुई, SSP जो कि जिला कठुआ से है उनसे भी बात हुई, DC से भी बात हुई, उनका कहना था कि हम यहाँ से निकल चुके हैं। और जब दूसरी तरफ बात कर रहा था, बात करते करते ग्रेनेड की आवाज़, बम फटने की आवाज़ जो कि फोन में मैंने भी सुनी कि अभी उन्होंने बम फेंके हैं, उनका कहना था कि अभी वो एक घर में घुसे हैं, क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी। जिस समय लाइट नहीं थी तो जब दूसरी तीसरी बार लगातार उनसे संपर्क चल रहा था तो बीच में उसने संपर्क करते हुए बताया कि एक आदमी की करलाने की आवाज़ हमें आ रही है, लेकिन हम इस डर से नहीं जा रहे कि शायद वो हमारा आदमी है या शायद वो मिलिटेंट है या उसका क्या ऐसा कोई बहकावा है। जब थोड़ी देर बाद अभी हमें खबर आई है कि एक मिलिटेंट मारा भी गया है और दूसरा मिलिटेंट की इधर पास में मंदिर है, सेवती माता का मंदिर सवाल एरिया के ऊपर, उसके बैक साइड थोड़ा सा घना जंगल है, उस घने जंगल में भी शायद वो छुपे हों, जाए इस साइड का जो जंगल गहरी है जिस एरिया में छुपे होंगे। और ये बिल्कुल ही शर्मनाक और नापाक हरकत है पाकिस्तान द्वारा या उन लोगों द्वारा जो कि
इस एरिया का माहौल खराब करना चाहते हैं। हमारा बहुत ही शांति प्रिय इलाका और हिंदू बहुल इलाका है, और इस इलाके में वो खौफ डाल के, इस इलाके में वो ऐसी घटनाएं करके बताना चाहते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ के एरिया के लोग या हमारे जम्मू कश्मीर के लोग डर जाएंगे, लेकिन आपके माध्यम से इतना बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग और खासकर हीरानगर के लोग डरने वाले नहीं हैं, और इस हालात में भी हम अपने लोगों के साथ और यहाँ के लोग बिल्कुल ही डटकर खड़े हैं, और पूरा पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर अभी भी उनके उनसे संपर्क करके वो काम कर रहे हैं। और अभी इस मौके पे एक आदमी को एम्बुलेंस में लेके अभी लेके गए हैं, और उनका कहना है कि उनकी बाजू में हादसा जो अभी सामने आया कि उनकी बाजू में गोली बजी हुई है। और कल भी हमारे मेला गांव में हमारे भाई की निर्मम हत्या की गई, हमारे भाई की शहादत हुई, और जिस तरीके से वो गला रेता गया था उसी समय हमें शक था कि ऐसी हरकत हमारे यहाँ के लोग नहीं कर सकते। और प्रशासन से यही अपील है कि जो लोग हमारे एरिया में रहते हुए इन लोगों को कोई स्थान प्रोवाइड करते हैं, इन लोगों को कोई ऐसी जगह छुपने के लिए देते हैं, उन लोगों पे भी कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि इन लोगों का इस एरिया में आते हुए पहले 4 बार सोचना पड़े कि हमें इस एरिया में नहीं घुसना है। प्लीज खाली करो।